Considering further, we come to problem number 5 of exercise 3.3. Now, in this case, it is given to you that in a parallelogram, the adjacent angles are in the ratio 2:3. Okay, adjacent angles are in the 2:3 ratio. Mein. Ye dekhi, ye angle aur ye angle adjacent hai, ye 2:3 ratio. Mein aayenge. Ya fir ye aur ye adjacent hai, ya fir ye aur ye adjacent hai. Theek hai? Aap kisi bhi tarah se le lijiye. These two are in the ratio 2:3. अब जब रेशियो की बात आती है तो हम वहां पे क्या लेते हैं, कॉमन मल्टीपल. तो यहां पे हम लेंगे x एज द कॉमन मल्टीपल. लेट x बी द कॉमन मल्टीपल. वी टेक x एज द कॉमन मल्टीपल. देयरफॉर एडजेसेंट एंगल्स आर टू एक्स एंड 3x. एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे 2x और 3x. हमें क्या करना है, हमें इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, नाउ इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मींस देयर एडिशन इज 180 डिग्री. This gives you 5x is equal to 180 degree and this gives you x is equal to 180 degree divided by 5. This gives you x equal to 36 degree. Okay. But हमें x के लिए find नहीं करनी है, हमें angles find करनी है. Therefore, angles are, एक है 2x means 2 into 36 and this is equal to 72 degree. The next is 3x, 3 into 36, this is equal to 108 degree. Okay, these are the two angles. इसमें आपको दिया क्या है, इसमें आपको angles जो दिए हुए हैं, those angles are given in the form of ratio and that two adjacent angles. Adjacent angles ratio में दिए हुए हैं. जब ratio आता है तो हम common multiple लेते हैं. Ratio 2:3 दिया है, हमने common multiple x लिया है. हमारे angles बनेंगे adjacent angles 2x और 3x. पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स जो रहते हैं दे आर सप्लीमेंट्री, देयर एडिशन इज 180 डिग्री. सो 2x प्लस 3x गिव्स यू 180 डिग्री. ओके, और इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ रही है 36 डिग्री. ओके, फिर x की वैल्यू हमने एंगल्स में पुट अप की, वी गेट द टू एंगल्स एज 72 डिग्री एंड 108 डिग्री. ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है दैट इन अ पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल. ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है. फिफ्थ में रेशियो 2:3 दिया है, सिक्स्थ में आप रेशियो कंसीडर कर सकते हो 1:1. ओके, इन द सिक्स्थ यू कैन कंसीडर द रेशियो एज 1:1, बट रेशियो ना देखे, उन्होंने डायरेक्टली दिया है द एंगल्स आर इक्वल. ओके, हमें क्या करना है, चारों एंगल्स फाइंड करने हैं. ओके, लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी x. ओके, देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आता है, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर x इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज ईच एंगल इज 90 डिग्री. हर एंगल जो है वो 90 डिग्री है. ओके, प्लीज note it down.